हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट के बारे में। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो 1500 पदों पर भर्ती है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे और सीएम ने इस पर महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसला लिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसकी न्यू अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में पुलिस भर्ती जो आपकी यहाँ पर 1521 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है उसका फिजिकल होना है और ऐसे में यहाँ पर एज बढ़ने को लेकर भी खबर थी और इसमें यहाँ पर सीएम के पास भेजा गया था फाइनेंस ताकि वो एज बढ़ा सके और इसका प्रस्ताव रखा गया था। और लेकिन सीएम ने क्या किया वो आप लोग यहाँ पर देखिए। उत्तराखंड पुलिस में यहाँ पर उम्र सीमा जो है बढ़ाने की जो है अब कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते कोई भी अब संभावना नहीं है ऐसा बताया गया है। और सूत्रों के अनुसार बताया गया कि गृह विभाग ने यहाँ जो है बेरोजगारों की यहाँ पर मांग को देखते हुए उम्र सीमा जो है 28 वर्ष करने का यहाँ प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा गया था और जिसे मंजूरी नहीं मिली है। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है मंजूरी नहीं दी है तो इसी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि अब आपकी यहाँ पर एज है वो जो आपकी बढ़नी है वो ना बढ़े, जो अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहाँ कहा गया कि पुलिस भर्ती के जो यहाँ पर दिसंबर माह में आवेदन शुरू किए गए लगभग 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख के करीबन जो है यहाँ पर इससे भी ज़्यादा यहाँ पर आवेदन किए गए हैं। और अब जो है पुलिस विभाग शारीरिक परीक्षा की यहाँ पर तैयारी कर रहा है तो फिजिकल होना है और यहाँ पर उससे पहले इनकी एज बढ़नी थी इसी वजह से आज यहाँ पर कहा गया था कि अब आपका फिजिकल थोड़ा लेट हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है अगर इनकी एज नहीं बढ़ती है तो आपकी फिजिकल जो एग्जामिनेशन होगी वो डेफिनेटली आपके कुछ दिन के बाद आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो सीएम धामी है उन्होंने जो है एज बढ़ाने को लेकर अपनी मंजूरी नहीं दी है तो इसी वजह से ये अटक गई है। और यहाँ पर अब आपकी फिजिकल हो सकता है क्योंकि एज बढ़ने नहीं है तो ये फिजिकल करा सकते हैं। तो इस तरह की अपडेट है, हो सकता है कि बाद में या कुछ डेट आ जाए क्योंकि आपके अभी एग्जामिनेशन डेट कब तक होगी क्या होगी एग्जैक्ट पता नहीं। लेकिन आयोग जो है कह रहा था यहाँ पर कि एज बढ़ने को हम वेट कर रहे हैं और जैसे ही शासन से मंजूरी मिल जाती तो उसके बाद हम यहाँ पर एग्जामिनेशन जो डेट है फिजिकल एग्जामिनेशन की डेट वो जारी कर देंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ टाइम के बाद आपका लग सकता है कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर अगर एज नहीं बढ़ती है तो डेफिनेटली जो है इसकी फिजिकल भी तो यहाँ पर एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे।